with my baby. Top drops and raindrops. Motion got me all faded. My heart. Yo, what's up guys? कैसे हो सारे? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बोल्ड बॉय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपनी आज की वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 का एपिसोड नंबर 2। सो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि कैसे माइकल अपनी जिंदगी से परेशान होके बुराई की ओर चल पड़े और साथ में ही फ्रैंकलिन को भी अपने साथ जोड़ लिया, और फ्रैंकलिन और माइकल मिलकर जाते हैं कार चोरी करने, और वहाँ पे फ्रैंकलिन का फाइट होने लगता उन लोगों से और फ्रैंकलिन मार खा के बेहोश हो जाता वहाँ पे। उसके बाद उन लोगों ने उसको कैद करके रख लिया अपने पास, जो कि बहुत ही खतरनाक है वो लोग। और इस पार्ट में आज हम लोग बचाने जाने वाले हैं फ्रैंकलिन को, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है वो लोग। और साथ में ही इस पार्ट में हम लोग बेचने वाले वो चोरी वाले कार को भी। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने यहाँ पे फुल तैयारी के साथ जाने वाले हैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। ये रहा हमारा ड्रेसअप, कैसा है गाइस आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, ये ड्रेस कैसा लगा आपको। जल्दी से नीचे उतर और जाते अपने कार में फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। जल्दी जल्दी चलो यार, फ्रैंकलिन किस हाल में होगा, क्या किए होंगे वो लोग। जल्दी से कार में बैठते और चलते सबसे पहले गन लेने, क्योंकि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है उन लोगों से फाइट करने के लिए। जल्दी से चलते हम लोग, सबसे पहले अच्छा वाला गन लेते हैं और उसके बाद फ्रैंकलिन को बचाएंगे। फ्रैंकलिन किस हाल में होगा गाइस, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। बहुत ही क्या हाल क्या होगा मेरे दोस्त का, वो लोग पता नहीं गाइस। ओ भाई, आगे पीछे क्यों देखे चला रहे हैं, आराम से सीधा देखे चला। ओ भाई क्या किया यार, आराम से चला, कुछ हो जाएगा तुम बोलो फ्रैंकलिन को कैसे बचाएंगे। जल्दी से चलते हम लोग गन लेने। तो गाइस हम लोग गन शॉप पहुंच चुके हैं, यहाँ साइड में कार लगा देते हैं। ओ चाचा साइड हो गए। ओ ओ ए भाई, ये क्या कर रहे हैं यार, जिधर कार कर वहीं आ रहे। ए भाई, ये मेरा कोई भी गलती नहीं था, ये अंकल आ रहे थे रॉन्ग वे से। ओ चाचा उठिए, बेहोश हो गए। ओ भैया उठिए। ए यार इसको छोड़ो, हटाओ, अभी जल्दी से चलते फ्रैंकलिन को बचाने, बहुत बुरा हाल में होगा मेरा दोस्त, वहाँ 2 दिन हो चुका है। जल्दी से अंदर चलते, कोई अच्छा वाला गन लेंगे। ओ भाई इतने सारे गन, कौन सा वाला गन ले। ओ अंकल अच्छा वाला गन दिखाइए। सो गाइस हम लोग यहाँ परचेज कर चुके हैं अच्छा वाला गन। देखिए ये वाला गन लिए हम लोग पूरा फुल साइलेंसर के साथ में, क्योंकि हल्का भी आवाज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए हम लोग फुल तैयारी के साथ में जाना है। ये अभी भी बेहोश है। उठिए अंकल, क्या करे है ये, पूरा पलती है लगता, ऊपर गया ये, उसका गलती था, मेरा कुछ भी नहीं था। चलो जल्दी से चलते हम लोग फ्रैंकलिन को बचाने के लिए उसके घर पे। जल्दी जल्दी चलो, क्या हाल में होगा, यहाँ पे सारे लोग घूमे हुए हैं, कोई नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट स्टोरी है। तो हम लोग जल्दी से चलो आराम से, बस हम लोग पहुँचने वाले उसके घर पे। कितने लोग होंगे वहाँ पे यार, बहुत ही खतरनाक थे वो लोग, एक शॉट में मेरे दोस्त को पलटी कर दिया। आराम से छुपते हुए चलो यार, बाहर पे कोई भी ना हो, आराम से कवर लेके चलो। ओ भाई यहाँ पे माहौल पूरा खाली है, एक भी लोग नहीं है यहाँ पे। और एक आदमी है यहाँ पे, वो भी किस हाल में यार, तो कोई गुंडा नहीं लग रहा है। आइए हम लोग इनसे पूछते हैं। ओ भाई हेलो। और गाइज मेरे इनसे बात हो चुका है, ये उन्हीं के आदमी थे, तो इसने बताया कि आपके दोस्त फ्रैंकलिन को बहुत ही खतरनाक जगह पे कैद करके रखे हुए। यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, आम इंसान होंगे, इसलिए उसने फ्रैंकलिन को बहुत ही खतरनाक कोई साइड इलाका में कैद करके रखा हो। तो हम लोग जाएंगे इसको बचाने के लिए, और फुल सिक्योरिटी के साथ में फ्रैंकलिन वहाँ पे कैद है। पता नहीं यार किस हाल में होगा मेरा दोस्त फ्रैंकलिन, कितना पीटा होगा उसको। हम लोग चलते हैं बचाने के लिए फ्रैंकलिन को जल्दी से, और फुल सिक्योरिटी है यार, क्या होगा वहाँ पे पता नहीं अभी। तो सबसे पहले हम लोग अपना कार चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बुलेट प्रूफ कार लेके जाने वाले हैं। ये रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड।
और मेरा अभी इनसे बात हो चुका है, इससे मेरा कार ये जाके अपना मेरे घर पे रख दे और मैं इनका बुलेट प्रूफ कार लेके जाने वाले हैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक माफिया है वो लोग। तो ये बुलेट प्रूफ बहुत ही मजबूत कार लेके जाने वाले हैं हम लोग फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। तो चलते हम लोग जल्दी से, पहुंच ही गया गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाने। किस हाल में है मेरा दोस्त वहाँ पे? ओ भाई साहब, इतने सारे लोग यहाँ पे, इनके पास गन भी है। ओ भाई पूरा फुल सिक्योरिटी के साथ में, बहुत ही बुरे हाल में होगा पक्का। मेरे दोस्त बहुत बुरे हाल में, जल्दी से जाएंगे हम उसको बचाने क्योंकि मेरी वजह से बेचारा वहाँ फंसा हुआ है। ओ भाई यहाँ पे भी इतने सारे लोग हैं फुल सिक्योरिटी के साथ में, इसी के अंडर में है मेरे दोस्त फ्रैंकलिन। तो हम लोग कार को यहाँ साइड पर लगा देते हैं और फिर चलते हैं अंदर बचाने के लिए। ओ भाई गन निकाल लो, बाहर में भी कुछ लोग हैं, अंदर में भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ही खतरनाक है गाइस ये लोग। एक साथ में पलटी कर यार, अलर्ट हो जाएंगे वो सारे लोग। अरे यार वो फायरिंग करे यार, जल्दी जल्दी कवर लेके चल। अलर्ट हो गए अंदर के लोग भी, आराम से, आवाज नहीं करना था। वो देखो यहीं पे है, आराम से कवर लेके चल। ओ भाई सारे लोग यहीं पे आ गए हैं। अरे यार जल्दी मार। अरे इसको गोली भी नहीं लग रहा, क्या हो रही है इतने सारे लोग? भाई साहब जल्दी बचाओ फ्रैंकलिन का, इसको मार। ओ भाई उठ, फ्रैंकलिन यहाँ आराम से बैठा हुआ है, हम इसके लिए इतना परेशान हो रहे। ओ फ्रैंकलिन जल्दी उठ भाई। चल फ्रैंकलिन उठ गया, जल्दी से हम लोग फ्रैंकलिन को यहाँ से बचा के लेके चलते हैं क्योंकि बहुत पीटा है इन लोगों ने मेरे दोस्त को फ्रैंकलिन को। अब हम हर लोग से बदला लेंगे क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को इसने मारा है। और कहाँ है? देखो इधर छुपा हुआ है, मार उसको। एक साथ में पलटी, और भी कहाँ है? यहाँ पे भी कुछ लोग पलटी हैं, लगता मेन वाले लोग नहीं है जिसने उसको मारा था उस दिन, और उनके चेले लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे और कोई भी नहीं नजर आ रहा है, लगता है किस पुलिस को कॉल कर दिया क्योंकि यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ओ भाई जल्दी से भाग, और यहाँ पे भी एक है, आराम से उसको मार। अरे यार उसको गोली भी नहीं लग रहा, चल बेहोश हो गया। गया जल्दी आ फ्रैंकलिन, भाग यार यहाँ से, और भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से भाग। मेन वाले गुंडे तो नहीं है यहाँ पे जिससे फाइट हुआ था फ्रैंकलिन का उस दिन, वो लोग कहीं गए होंगे, उनके चेले लोग थे। जल्दी से बैठ यार, पीछे बैठ रही है अभी भी, जल्दी से भाग। तो भाई जल्दी से भागते हैं हम लोग और घर पहुंचते हैं, जाके हमें छुपना होगा, पता नहीं वो लोग कहीं घर ना पहुंच जाए, इसलिए हम लोग दूसरे का कार लेके आए। ओ भाई आराम से चल, दूसरे का कार है, पैसा वैसा लेगा, अभी पैसा भी नहीं है हमारे पास। जल्दी जल्दी भागते हम लोग फ्रैंकलिन को बचाने में कामयाब हो गए उन लोगों से, पता नहीं पर वो लोग बहुत खतरनाक थे, हो सकता बाद में भी ये लोग हमला करें हम पे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाते हैं, उसका क्या हाल चाल है तो पूछ लेते हैं क्या क्या हुआ उसके साथ। फाइट करने आया नहीं यार, अब वो फाइट करने चल गया उन लोगों के पास में। तो हम लोग गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से कार लगा के अंदर जाके कवर कर लेते हैं अपने आप को, क्या पता वो लोग पीछा कर रहे हो या कभी भी हम लगा सकते हैं हम पे। तो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अथवा आराम कर लेते हैं। आप फ्रैंकलिन किस हाल में, उसका तो मरहम पट्टी डॉक्टर के पास भी लेके जाना होगा, बहुत पीटा उन लोगों ने। कम ऑन जल्दी चलो। और फ्रैंकलिन क्या हाल है, बहुत दिन के बाद तुमसे मिले। सो गाइज हमारा बात हो चुका है फ्रैंकलिन से, फ्रैंकलिन अब एकदम ठीक है, फिट है बंदा। अब हम लोग बेचने जाने वाले कार, हमारा दोस्त का कॉल आया है, उसे एक बंदा मिला है जो कि चोरी का ही कार उनको लेन देन करता है। अब हम लोग जाने वाले हैं उसके पास कार बेचने के लिए, तो देखते हैं किस कीमत में हमारा कार बिकने वाला है। तो हम लोग अच्छे से रेडी उडी हो जाते हैं, पूरा फॉर्मल लुक में जाएंगे, उसे भी लगना चाहिए कि हाँ कोई दमदार बंदा से मिले। जल्दी जल्दी अब हम लोग चलते हैं, आ जा फ्रैंकलिन मेरा गरीब दोस्त, बहुत हेल्प किया तुम मेरा, जल्दी से आओ। हम लोग लेके जाने वाले हैं वैगनार को जो फुल्ली मॉडिफाई है, बहुत ही अच्छा से मॉडिफाई कराए ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके कि ये वही कार है जो चोरी किया था हमने।
फ्रैंकलिन बेचारा उतने दिन से वही कपड़ा पहना हुआ, कोई नहीं दोस्त, तुमको कार बेचने के बाद जल्द ही दिलाने वाले हैं हम लोग न्यू न्यू ड्रेस सब, और तुमको पैसा भी देंगे, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जल्दी से कार घुमाते और चलते उस बंदे के पास, उसने मुझे सुबह सुबह लोकेशन भी सेंड कर दिया, उसी लोकेशन पे अब हम लोग जल्दी से जाएंगे और उस बंदे से मिल के अच्छा सा डील करेंगे कि किस कीमत में हमारा कार बिकने वाला है। सो गाइस आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए कि किस प्राइस में ये कार बिकनी चाहिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इसी एरिया में, वो बंदा हमारा वेट कर रहा तब से, इसी के अंदर है। ओ भाई आराम से, आराम से, ठोकने का नहीं है यार, बेचने जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए यहीं पे, वो बंदा हमारा वेट कर रहा है, यहाँ पे कार पार्क कर देते हम लोग। यही है वो बंदा है जो फोन चला रहा है। अब जाते हैं, अब हम लोग इससे कार के बारे में डील करते हैं। A few moments later. और गाइज हमारा इनसे बात हो चुका है और ये रेडी है हमारा कार लेने के लिए $1500 पे। जी हाँ गाइज, सिर्फ $1500 पे ये कार बिक रहा है। चलिए कोई नहीं, ये हमारा पहला डील है और आगे इनसे बात भी हुआ है कि ये लोग हमसे और भी कार लेंगे चोरी के, तो आगे की कार में हम लोग कमा लेंगे इनसे, चलिए कोई नहीं। तो ये हम जा रहे हैं हमारा कार देखने के लिए, अपना कार वो देख लिए, हमें पैसा भी भेज देंगे, बोले कल तक का हमें पैसा मिल जाएगा, भरोसेमंद आदमी है, और भी हमें डील मिल चुका है इनसे। तो अब हम लोग चलते हैं घर और अपना पैसा का बंटवारा कर लेते हैं फ्रैंकलिन के साथ में। तो गाइज अभी तो हमारे पास और कोई गाड़ी है नहीं क्योंकि हम लोग एक ही कार में आए थे। चलिए कोई नहीं, यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं। अब हम लोग $1500 आ चुका है गाइज, अब हमारे पास $1500 है, तो फ्रैंकलिन को भी हम लोग $500 दे देते हैं, ठीक है ना? आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या फ्रैंकलिन के लिए $500 ठीक है या उसको और भी ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अभी हम उसको $500 देने वाले हैं और साथ में ही उसको एक अच्छा सा ड्रेस भी दिलाएंगे क्योंकि बेचारा एक ही ड्रेस में पूरा जिंदगी काट रहा, अपना बहुत गरीब है वो भी। चलिए कोई नहीं, वो मेरा पार्टनर बन चुका है, अब हमेशा वो साथ देगा मेरा। सो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी फनी गेम प्ले के साथ में। जय हिंद।